वेलकम बैक, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. सो टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड G7. अब ये क्या है, वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल. फर्स्टली देखो, हम सभी को पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, दैट इज UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. बट बाकी कंट्रीज साथ में आने के लिए, साथ में ट्रेड करने के लिए, साथ में बायोलेटरल या मल्टीलेटरल ट्रेड्स करने के लिए आपस में साथ में आते हैं किसी रीजन के लिए, किसी पर्पस के लिए. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो ये है, ये क्या इनिशिएटिव्स है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और क्या इसका वे फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड की अपकमिंग टाइम्स में ये क्या चीज़ें देख रही है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले, एज वी नो कि जब से COVID-19 आया है, हर चीज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑनलाइन मोड पे हो रही है, ऑफलाइन चीज़ें नहीं हो रही है. जब COVID-19 स्टार्टिंग में आया था तो मैक्सिमम चीज़ें जो थी वो स्टॉप हो गई थी. उसके बाद जो चीज़ें हुई वो लगभग सारी ही क्या हुई, हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा. सो इन द सेम मैनर जो आपका G7 था, इसकी 47th मीटिंग, आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है कि जो अभी वाली हुई थी वो 47th समिट हुई थी 2021 में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अर्लियर जो G7 की थी, आपका रीच लैंडमार्क अकॉर्डिंग टू सेटिंग, जिसको क्या रीच मार्क था इसका, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट. ध्यान देना, यही चीज़ें पूछी जाती है. जो चीज़ को आप इग्नोर करोगे ना, एग्जामिनर वही चीज़ें पकड़ता है. अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया वर ऑल्सो इन्वेंटेड टू पार्टिसिपेट प्रोसीडिंग टू द समिट एज गेस्ट कंट्रीज. अब ये लोग जो है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, क्योंकि ये मेंबर कंट्रीज नहीं है, इनको क्या बुलाया था, इनको क्यों बुलाया गया था, किस थ्रू बुलाया था, गेस्ट, कि भैया आइए हमारी मीटिंग्स में, आप पार्टिसिपेट कीजिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए. दिस ईयर समिट वॉज होस्टेड बाय होस्टेड. अब इस बार किसने समिट होस्ट किया था, UK ने. द लास्ट G7 समिट जो हुई थी वो फ्रांस में पोस्टपोन हो गई थी, क्योंकि हमें रीजन पता ही है, COVID-19. सो आप देख सकते हो पिक्चर है यूनाइटेड किंगडम्स का, कॉर्नवॉल का. अब कौन कौन से मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, यू कैन सी दैट इन अ वेरी प्रॉपर वे. ठीक है, नाउ कमिंग कि क्या है G7, सबसे पहले इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या पर्पस था और ये क्या है. सबसे पहले ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इंटर गवर्नमेंटल क्यों, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन लेवल पे नहीं है. जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैक्सिमम जो वर्ल्ड की कंट्रीज है वो उसका एक मेंबर है. बट आप देख सकते हो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स टोटल 7, इट मीन्स ये कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया, ये कन्फाइंड टू पर्टिकुलर लोग है, इसलिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. बहुत बार यही ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं. द ब्लॉक मीट्स एनुअली, एनुअली मतलब हर साल मिलती है, ताकि ये किस पे बात करें, क्या मुद्दे हैं इनके बात करने के लिए, वो पहले हमें देखना है. ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, देन आपका आ जाता है इसका जिसकी ये बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज, एंड ये किस बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी पॉलिसी, जो भी आपकी एनर्जी के रिलेटेड. देखो एनर्जी है तो सब चीज़ें चल रही है, आपके पास मोबाइल्स है, फोन्स है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास लाइट नहीं है, चार्ज करने के लिए चार्जर नहीं है, तो वो चीज़ काम नहीं कर पाएगी. आप इंडस्ट्री बूम करना चाहते हो, आपके पास एनर्जी नहीं है, तो वो चीज़ भी काम नहीं कर पाएगी. द G7 कंट्रीज आर, कौन है अब G7 कंट्रीज, हम इनको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे, सो दैट हमें ये हमेशा के लिए एक बार माइंड में याद रहे. दैट इज G7 कंट्रीज में आती है आपकी UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड US. अब हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, दैट इज UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड US. अब ऑल द 7 कंट्रीज इंडिया आर पार्ट ऑफ G20. देखो हमें पता है कि ग्रुप 7 का हम मेंबर नहीं है, लेकिन ये जो सभी कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, ये सब किसका पार्ट है, G20 का. नेक्स्ट टाइम पे हम G20 को भी समझेंगे कि क्या है वो और क्या चीज़ें उसमें इनिशिएटेड है. ये बनी थी 1975 में, ये ध्यान आपको रखना है. सबसे पहले इसका कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है, पहली बात आपको ध्यान रखनी है. दूसरा, द डिसीजंस टेकन बाय लीडर्स ड्यूरिंग एनुअल समिट्स आर नॉन बाइंडिंग. अब ये नॉन बाइंडिंग और बाइंडिंग क्या होता है, देखो आपने कोई चीज़ करनी ही करनी है वो आपके ऊपर बाइंडिंग आ जाती है, कोई चीज़ नहीं करनी है वो आपके ऊपर नॉन बाइंडिंग आती है, आपकी मर्जी. आपको वो चीज़ें ठीक लग रही है आप उनको एक्सेप्ट करो, नहीं ठीक लग रही आप नहीं करो. ये आपको G7 दिख रहा होगा, जहाँ पे हम कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देख सकते हैं. अब ये G8 क्या था, पहले एक ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज था, बट हमने देखा था कि जो सिचुएशंस हुई थी रशिया ने यूक्रेन पे जो इन्वेजन हुआ था, उससे जो ग्रुप 8 से रशिया को निकाल दिया गया था, अब ये बनती है सिर्फ G7. और ये सभी
कंट्रीज इंक्लूडिंग अर्जेंटीनिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोप यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ये सब किसका पार्ट है? G20 का। अब हम देखेंगे कि क्या की पॉइंट्स थे और क्या क्या चीज़ें इस बार वाली मीटिंग्स में हुई और क्या इनिशिएटिव्स है, क्या वे फॉरवर्ड्स है अपकमिंग टाइम के लिए। सबसे पहले आप देख रहे हो ये वर्ड बहुत बार आजकल आप हिंदू न्यूज़पेपर में देखोगे या कुछ ना कुछ आर्टिकल्स में ये लाइन बहुत बार आती है, बिल्ड बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। ये क्या है? इट इज एम्ड सिक्योरली एट कम्पीटिंग विद चाइनाज ट्रिलियन डॉलर बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। आपने इनका देखा पॉलिसी कि चाइना क्या कर रही है, हर जगह अपनी आसपास का जो एरिया है वहाँ पे क्या करती है, अपने ट्रूप्स वगैरह बना देती है और बाद में बोलती है कि जो ये एरिया है ये भी हमारे अंडर आता है। इसको कंट्राडिक्ट करने के लिए, इससे देखो आप किसी एक बहुत स्ट्रांग पर्सन है, ठीक है, या तो आप उससे हार सकते हो, पहला है, या आप एक ऐसी स्ट्रांग यूनियन क्रिएट कर सकते हो जिससे वो इंसान आपसे लड़ने पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि जो अगला बंदा है वो भी इतना ज़्यादा कैपेबल है। इसीलिए इन द सेम मैनर ये लोग खुद क्या कर रहे हैं, बिल्ड बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट, ताकि ये भी एक पावरफुल लेवल पे आगे आ पाए। अब इसका क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें होगी? पहले ये क्या करेगा, कैटलाइज करेगा। कैटलाइज चीज़ें करना होता है, एकदम से बूम करेगा, एकदम से इंक्रीज करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फॉर लो मिडल इनकम कंट्रीज इन एशिया अफ्रीका एंड ऑफर अ वैल्यू ड्राइवन हाई स्टैंडर्ड एंड ट्रांसपेरेंट पार्टनरशिप विद G7। अब जो ये कंट्री मेंबर कंट्रीज है ये क्या करेगी, पार्टनरशिप करेगी, पहले चीज। दूसरा, जो इनकी पार्टनरशिप होती है वो हेल्प करेगी जो आपके चाइना की पॉलिसीज है उनको कंट्राडिक्ट करने के लिए, और एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करेगी ग्रोथ के मामले में। ये आप दे सकते हो G7 का है। देन दूसरा है डेमोक्रेसीज 11। अब ये डेमोक्रेसीज क्या है पहले तो ये देखते हैं। साइनड ऑफ ऑन अ जॉइंट स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेमोक्रेसीज 11 बाय G7 एंड गेस्ट कंट्रीज। गेस्ट कंट्रीज मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था, फिर से हम रिपीटली देखते हैं कि गेस्ट कंट्रीज कौन सी थी। हमारी गेस्ट कंट्रीज थी, इनके पास जो इस टाइम पे अपार्ट फ्रॉम जो इनके अपने मेंबर कंट्रीज थी, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, वो हमारा था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। ये क्या थी, गेस्ट कंट्रीज थी जिनको इनवाइट किया गया था ताकि ये भी पार्टिसिपेट करें और ये भी इस मीटिंग का एक हिस्सा बन पाए। इन कमिंग टाइम हो सकता है कि ये लोग भी पार्ट बन पाए, बट अभी के लिए एज अ गेस्ट आए थे देखने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए। नाउ वो विल अंडरस्टैंड ये क्या है, दैट रीफर्म एनकरेजेस द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो बात, लोगों को डेमोक्रेसी कौन सी होती है, डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना नेता चुन के आ गए अपनी मर्जी से, नहीं, आपको अपनी बात सामने लाने का, आपको अपना चीज़ों को थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, आपको पूरी तरह से जस्टिस देने का और आपको अपनी मर्जी से लाइफ जीना, दैट इज डेमोक्रेसी इन अ रियल सेंस, जहाँ पे कोई करप्शन नहीं हो रही है, जिसकी जो एलिजिबिलिटी है। सपोज अब कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए, और वो पोस्ट उसी इंसान को मिलनी चाहिए जो रियल लाइफ में उसको डिजर्व करता है। ये नहीं कि उसके पास पैसा है इसीलिए वो उस पोजीशन पे, नहीं, वो काबिल है, दैट इज द रीजन वो उस जगह पे है। सेकंड बात क्या आती है हमारी, व्हाइल द स्टेटमेंट इज डायरेक्टेड एट चाइना एंड रशिया, इंडिया हैज बीन अंडर स्क्रूटी ओवर। अब इंडिया पे भी यहाँ पे एक ताना कसा गया है, क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है जब यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ, तब यहाँ पे जो इंटरनेट फैसिलिटीज थी वो लगभग एक साल से भी ज्यादा टाइम के लिए बंद रही, आपका 4G नहीं चलता था। और आज के टाइम पे आप किसी को टेक्नोलॉजी से दूर रख रहे हो, ये खुद में ही एक बड़ा लूप होल है। अगर ये चीज़ें हुई है तो इससे स्टूडेंट्स को, डिपार्टमेंट्स को, बाकी सब चीज़ों को कितना ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ा है, वो चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ये हमारे पे ताना कसा गया और ये ताना सही भी है, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तो ये चीज़ें थी, बट हम रियलिटी में ये चीज़ें समझें कि बहुत सारी जगहों पे अगर आज के टाइम पे अगर आपको किसी भी रीच में पहुंचना, तो इंटरनेट आपका एक साधन है, और अगर इंटरनेट ही आपका डिसबैन किया जा रहा है तो आप क्या देख सकते हो। फिर डेमोक्रेसीज 11 में ये चीज़ देखी गई
कि डेमोक्रेसी में क्या थ्रेट्स है, जैसे हमने देखा है डिक्टेटरशिप, इलेक्टोरल इंटरफेरेंस, करप्शन, इकोनॉमिक लैप्सेस है, मैनिपुलेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन. अभी आपने देखा था पाइगस वायरस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, क्यों? क्योंकि उसमें बताया जा रहा था कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या की जा रही है, वो सेव की जा रही है, उस डाटा को यूटिलाइज किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, तो ये भी एक गलत चीज़ है. साइबर अटैक्स या साइबर क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस, एब्यूज, टेररिज्म, वॉलेंट एक्सट्रीजम, ये सभी डिस्कशंस और कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें क्या करती है, डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से फ्लोरिश नहीं होने देती. डेमोक्रेसी का मतलब ही है ना ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों के पास राइट हो, लोगों को जस्टिस मिले और लोग अपने थॉट्स को प्रॉपर तरीके से रख पाए. दूसरा हमारा जो की फैक्टर है, की इनिशिएटिव है, दैट इज कैरिबियस बे डिक्लेरेशन. अब ये क्या है, G7 जो कंट्रीज थी ने साइन किया कैरिबियस बे डिक्लेरेशन. अब ये क्या है कि अब जो हमारा फ्यूचर टाइम है, जो अपकमिंग टाइम है, जैसे हमारा पेंडेमिक सबसे पहले क्या होता है और अपेंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है. अपेंडेमिक का मतलब होता है जब कोई चीज़ पर्टिकुलर किसी कंट्री या स्टेट तक कन्फाइड हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सिर्फ एक एरिया तक थी, जैसे हमारे पास स्वाइन फ्लू था. लेकिन पेंडेमिक होता है जब वर्ल्ड वाइड उसकी रीच हो और हर जगह उसका इम्पैक्ट हो, जैसे कि COVID-19 एक क्लासिकल एग्जाम्पल है. इन सब ने क्या किया कि प्लज की कि हम 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन डोज है उन कंट्रीज को जो बेचारे गरीब है उनको दिए जाएंगे. देन 11 बिलियन डोजेज आर नीडेड टू वैक्सीनेट एटलीस्ट 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बाई mid-22 तक. देन उसके बाद नेक्स्ट इनिशिएटिव किया था, डोज विल कम बोर डायरेक्टली एंड थ्रू इंटरनेशनल कोवैक्स प्रोग्राम. ये प्रोग्राम के बारे में एक बार ध्यान रखना कि इसके थ्रू भी हेल्प पहुंचाई जाएगी. देन हमारे पास एक और की फैक्टर था या की जो हमने इनिशिएटिव है, दैट इज क्लाइमेट चेंज. ऑब्वियसली बात है, हम सभी देख रहे हैं कि आजकल और अभी से बहुत टाइम से जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, क्लोरोफॉर्मन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सब एमिशन जो हो रहे हैं उन वजह से नेचर को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. सो वी आर ट्राइंग कि हम जो एमिशन्स है डिफरेंट कार्बन्स के वो भी कम करें, जैसे प्रोमिस टू हाल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वेराइटीज और डिफरेंट लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम चीज़ को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. हमें उसको क्या करना है, चीज़ों को कम करना है और कोशिश करना है रिवर्स करना कि जो लॉस हुई है बायोडाइवर्सिटी उसको प्रिजर्व करना और नए से वापस लेके आना. दूसरी प्लस थी टू रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2050. जीरो नेट एमिशन क्या होता है पहले तो ये समझो. देखो आपने भूटान के बारे में समझा होगा, भूटान के बारे में सुना होगा, वो एक अकेली वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है जो जीरो कार्बन एमिशन कंट्री है. इसका मतलब क्या होता है, जितना वो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो इमिट करते हैं. इट मीन्स वहाँ पे नेट जीरो कार्बन एमिशन होता है. इन द सेम मैनर हम भी चाहते हैं कि जितना जैसे प्लांट्स वगैरह है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो आपके प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब क्या करते हैं कार्बन और रिलीज क्या करते हैं ऑक्सीजन. अगर हमारे पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हो तो जो भी कार्बन की मात्रा होती है वो कौन ट्रैप करती है, आपका नेचर, आपके पेड़ पौधे उस चीज़ को ट्रैप करते हैं, अपने में समाते हैं, उस वजह से प्रदूषण बढ़ता नहीं है. और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए देखो, अब हमने बायोडाइवर्सिटी की बात की, हम सभी को पता है ग्लोबल चेंजेस जो आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग्स हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीटेशंस हो रहा है, नेचुरल क्लाइमेटीज आ रही है, उन चीज़ों की वजह से क्या हो रही है, हमारी जो लाइफ थी, बायोडाइवर्सिटीज थी, वो ऑलरेडी बहुत सारी खो चुकी है. हम उसको अब जो बेचारे बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पहले हमने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट लॉइन भी आपने सुना होगा न्यूज़ में है, हम चाहते हैं कि वापस से उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, उनकी फिर से ब्रीडिंग्स करवाई जाए ताकि जो बेचारा हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर तरीके से सस्टेन कर पाए, क्योंकि मदर नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है और हम मदर नेचर को तबाह करने में लगे हुए. अगेन इस चाइना क्या था, G7 स्टेटमेंट विच वॉज नॉट साइंड बाई इंडिया एंड अदर आउटरीच कंट्रीज हिट आउट एट चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स. क्यों, देखो सबसे पहले आपको पता है कि एक एरिया है जिंगजियांग, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है उघर मुस्लिम्स, यहाँ पे एक कम्युनिटी है, एंड हांगकांग में, जहाँ पे डायरेक्टली कौन इम्पैक्ट डाल रही है, डायरेक्टली कौन इनके बिहाफ पे रूल कर रही है, दैट इज चाइना. ये अपनी गलती और अपनी लूप होल्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट दिस इज द ग्राउंड रियालिटीज कि ये रियलिटी में क्या करते हैं. ये हमें तो ताना कसते हैं बट ये अपने वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले इनसे कोई ये भी पूछे, हमें भी पूछना चाहिए. देखो हमें
एक बात है ये नहीं कि अगर हम कहीं पे गलत, हम उस चीज का प्राउड करेंगे, नहीं, हम सुधारना चाहे, हमें सुधारना चाहिए, लेकिन बार बार अगर हम पे कोई ताना कसे या कोई उस इंसान को भी उसकी औकात याद दिलाना हमारा फर्ज बनता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर ट्रांसपेरेंट टाइमली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, क्यों? क्योंकि वो कोविड ओरिजिन स्टडी इन द चाइना, जिसके लिए चाइना बोल रहा है, क्योंकि ये ऑरिजिनेट ही वहाँ से हुआ है और एक जोनोटिक प्रॉब्लम है। जोनोटिक वो चीज़ें होती है जब एनिमल्स से कहाँ पे ट्रांसफर होती है, ह्यूमन बींग्स में। ये लोग कुछ भी मीट खाते हैं, कुछ भी करते हैं, इस चीज़ के लिए भी एक इंक्वायरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर द सेम द स्टेटमेंट ज्यूरिंग द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इंडिया ने भी सेम प्लस दी है, इंडिया भी सेम स्टैंड पे लेती है कि इस चीज़ के बारे में रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। आखिर रीजन तो पता चलेगी क्यों और कैसे, क्योंकि देखो कोविड-19 ने किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर किसी स्टेट या किसी पर्टिकुलर कंट्री पे नहीं इम्पैक्ट डाला, वर्ल्ड वाइड इसने चीज़ों को हिट किया है, तो इसका रीजन पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एज कि हमारा प्यारा भारत, अब हम समझेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है, हमारी क्या प्लेजेस है और हमारे क्या इनिशिएटिव्स है रिलेटेड टू आपका G7, हमारा क्या रोल है, बिकॉज दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। आपसे एग्जामिनर आप ही की कंट्री का पर्सपेक्टिव पूछेगा। इंडिया इज नेचुरली एले फॉर G7, वो तो हमें पता है। शेयर वैल्यूज फॉर होस्ट ऑफ थर्ड स्ट्रीमिंग ऑफ अथॉरिटीज़म, हम इनके साथ काम कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं ये सब चीज़ें नहीं हो, गलत चीज़ें नहीं हो। एक्सप्रेसड कंसर्न दैट ओपन सोसाइटीज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू डिसइन्फॉर्मेशन साइबर अटैक्स, वो भी हमें चीज़ें पता है। इट सॉट द सपोर्ट फॉर ग्रुपिंग टू लिफ्ट पेशेंट प्रोडक्शन फ्रॉम कोविड वैक्सीन, वो ऑब्वियसली बात है, हमारे यहाँ पे भी फ्री चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, फ्री वैक्सीन दिए जा रहे हैं, हम भी इस इनिशिएटिव में आगे हैं। दूसरी प्लांट्स एटमॉस्फेयर बायोडाइवर्सिटी, हम भी उसको देखो, अब इंडिया आप देखोगे प्रोजेक्ट टाइमर में भी इंडिया बहुत बेस्ट कर रहा है, सबसे आगे हम जा रहे हैं। बाकी में भी आपने देखा होगा कि इंडिया हमेशा एनवायरमेंट के लिए बात करता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा आगे आता है। इंडिया इज ओनली G20 कंट्री ऑन ट्रैक टू मीट इट्स पैरिस कमिटीज। पैरिस कमिटीज वही है आपका जो जी मैंने टाइगर प्रोजेक्ट बताया था। डेवलपिंग कंट्रीज नीड बेटर एसेस टू क्लाइमेट फाइनेंस। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ बहुत क्लियर, देखो हम सब डेवलपिंग नेशंस जो है, ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस ने रायता फैलाया था, इतना ज़्यादा प्रदूषण क्रिएट किया, इतना कार्बन एमिशंस किया, ठीक है। अब जो डेवलपिंग नेशंस है वो बेचारे अभी अभी इमर्जिंग है, अब इमर्जिंग है तो उनको अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए, बाकी डेवलपमेंट चाहिए। डेवलप्ड नेशंस तो बोल देते हैं भाई इतना करो ये करो, लेकिन हम लोगों के पास जब जिसके पास खाना ही नहीं है तो वो बाकी चीज़ों के बारे में कैसे सोचेगा। इन द सेम मैनर इंडिया चाहती है कि हम लोगों को रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाए, ताकि हम भी पहले एक बैलेंस लेवल पे तो आए, अगर हम ग्रो करेंगे तभी हम बाकी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। हम भी चाहते हैं कि जस्टिस प्रोवाइड किया जाए और लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया जाए। देन हाईलाइटेड द रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑन सोशल इंक्लूजन एनवायरमेंट एम्पावरमेंट इन इंडिया थ्रू एप्लीकेशन सच एज आधार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये आपका जन धन आधार मोबाइल। अब ये सब चीज़ें क्या है, हम भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हम भी अपने लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने लेबर कार्ड भी देखा होगा, आयुष्मान भी कार्ड देखे होंगे, क्यों? ये ताकि हम लोगों तक एक तो प्रॉपर हेल्थ दे, प्रॉपर उनका सर्वे किया जाए, प्रॉपर हम पॉपुलेशन को देखें क्या है कैसे है, एम्पावरमेंट कर पाए लोगों की और अनएम्प्लॉयमेंट को समझ पाए किस सेक्टर में क्या है कैसे है किस एज ग्रुप में है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिकवर कर पाए। आधार का लिंक करवाने का भी यही मकसद है कि हम लोगों की कनेक्टिविटी और गवर्नमेंट की कनेक्टिविटी उनकी रीच तक, उनकी गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए उनके लोगों के बारे में और लोगों को भी गवर्नमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे उनका हक है हमें जानने का, हमारा पूरा हक है उनको जानने का। इन द सेम मैनर दिस इज ऑल अबाउट आपका जो रीसेंट मीटिंग्स हुई थी G7 की। G7 का मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, इनमें जो कंट्री है दैट इज UK, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड USA। और इस बार हम लोग भी इसका गेस्ट थे, गेस्ट मेंबर्स इसके कौन कौन रहे थे वो भी मैंने आपको चीज़ें बताई कि हम लोग थे, जैसे कि हमने देखा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, क्या था इसका, गेस्ट कंट्रीज थी। और ये हमने ये चीज़ देखी कि जो ये रिसेंटली अभी जो मीटिंग हुई थी वो 47th जे समिट था। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है क्योंकि ये चीज़ें एग्जामिनर पूछता है। जैसे एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ये वाली चीज़ें जो है माइंड में ध्यान रखनी है, क्योंकि इन छोटे छोटे पॉइंट्स में एग्जामिनर अपना सवाल ढूंढ लेता है और हम सोचते हैं कहाँ से आ गया। और ये किन बातों पर काम करती है, दैट इज़ आपका कॉमन इंटरेस्ट किस किस फील्ड के रिलेटेड, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी।
विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग थिंग्स. मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू कैन रिवाइज इन अ बेटर वे. और ये पहले G8 था, रशिया को यहाँ से बाहर निकाल दिया ऑन द बिहाफ ऑफ द रीजन ऑफ यूक्रेन. इन्वेंशंस हुए थे और मैंने बताया कि ये सभी G20 का पार्ट है. जैसे कि आपने देखा कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, रशिया भी है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, यूरोप यूनियन है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, सऊदी अरब है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है एंड तुर्की है. सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग थिंग्स. कीप ऑन कोऑर्डिनेटिंग द थिंग्स. रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने से वो चीज़ें कभी नहीं होगी.